ये यहाँ पे फिर मतलब किस लिए चढ़ाई होती है इतनी बोतलें? ये सर बहुत पुराने टाइम की पहले की बात है, तो इधर गाड़ी चढ़ती नहीं थी पहले। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज शुरुआत करते हैं एक और नए दिन की, और आज हम हैं सरचू में, और रात को हमने यहाँ स्टे किया था। ये यहाँ पे सरचू में कुछ ऐसे स्टे करने के लिए प्लेसेस होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ ऐसा है रूम, यहाँ का रूम कुछ ऐसा होता है। ये देखिए, ये पीछे बेड लगे हुए हैं, और ये सिर्फ यहाँ पे 200 रुपये चार्जेस लेते हैं बेड के। और यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी हम्बल हैं, और मतलब मैं क्या बताऊँ, अनएक्सपेक्टेड था। जितना हमने सोचा था उससे ज़्यादा यहाँ के लोगों ने मदद करी है। मैं आपको मिलवाता हूँ। रात को जिन आंटी के यहाँ हम स्टे कर रहे थे, उन आंटी ने हमारी बहुत मदद करी है। मतलब हमें इतने अफोर्डेबल प्राइस में उन्होंने चीज़ें दी है ना, मतलब पीछे से हम जहाँ से भी होते हैं वहाँ आए, वो सब हमें चार्ज करते थे एक पराठे के 50-70-80 रुपये पर। आंटी को हमने बताया कि आंटी हम ऐसे ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं, ये वो, तो आंटी ने खुद हमें, इन्होंने सिर्फ 20 रुपये चार्ज किया हमें एक पराठे के। और क्या कहते हैं, और खाने के भी इन्होंने, जो रात को हमने डिनर किया था उसमें भी इन्होंने हमें कितने 80 रुपये में डिनर करवा दिया था। बट हाँ, बहुत सस्ता, आंटी और ज़्यादा सस्ता करी थी, पर हमने मना किया, नहीं आंटी इतना भी सस्ता नहीं, आप अपना रेट तो निकालें। और जो बिस्किट्स वगैरह मैगी वैगी आते हैं पैकेट्स, बिस्किट्स भी यहाँ पे क्या ना नॉर्मल प्राइस से ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि आप देख लीजिए पहाड़ों में लाने के लिए ना यहाँ बहुत टाइम लग जाता है, यहाँ ट्रक्स में लाने के लिए एक्सपेंसेस ज़्यादा लगते हैं, तो दैट्स वाई सब नॉर्मल नॉर्मल बिस्किट्स पे ज़्यादा प्राइस लगता है, कोई भी चीज़ हो 10 रुपये एक्स्ट्रा लगता है, पर आंटी ने हमें फिक्स प्राइस दिया। तो चलिए मैं आपको आंटी से मिलवा देता हूँ, बहुत हम्बल लोग हैं भाई यहाँ के, बहुत हेल्पिंग है। सो ये रहा आंटी का रेस्टोरेंट कुछ ऐसा, ये आंटी का रेस्टोरेंट कुछ ऐसा दिखता है, और ये वो आंटी है जिन्होंने हमारी बहुत मदद करी है। आंटी जी, नाम क्या है आपका? रिंजिंग समो। तो इन आंटी ने बहुत मदद करी है, और हमें खाना बनाने के लिए आंटी ने बर्तन भी दिया है एक, मतलब हमने ना पहले गैस वैस खरीद ली थी, जो गैस होती है छोटा सा स्टोव होता है, जो ट्रैवलिंग स्टोव, वो सब हमने ख़रीदा था। तो उसके बाद फिर आंटी ने, हमारा बर्तन था जो कहीं गिर गया था मनाली में ही, सो फिर हमें रास्ते में कहीं बर्तन नहीं मिला, तो आंटी से हमने बर्तन मांगा, तो आंटी ने हमें बर्तन भी दे दिया। सो बस ऐसे ही यहाँ का आज का बहुत ले में एंट्री कर गए हम। सो बहुत अच्छा दिन गया आज का मॉर्निंग, बस आज का आगे सफ़र चलते हैं, ले चलते हैं आपको आगे की ओर। बस चलिए, गुड मॉर्निंग। सो फाइनली हमने सरचू लीव कर दिया है, अब आज हमें 80 किलोमीटर कवर करना है, तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। ऐसे कुछ फिक्स टाइम लेवल की चढ़ाई भी बहुत है, और डाउन हिल भी है काफ़ी। लेट्स सी, आज हमें 5100 एल्टीट्यूड पर जाना है, थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, बट लेट्स सी क्या होता है, तो मिलते हैं तुमसे आगे जाके। तो हम सरचू से निकल चुके हैं, और रोड अभी प्लेन है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, डाउन हिल है 20 किलोमीटर राउंड तक, और बीच बीच में थोड़ा सा मतलब अपहिल्स है, और जैसे ही रोड ख़त्म होगा प्लेन देन, इसके बाद हमें चढ़ाई स्टार्ट करनी है। घाटा लूप्स आएंगे जो 21 लूप्स है एक साथ, तो वहाँ पर हमारी बैंड बजने वाली है, और वहाँ से फिर टोटली चढ़ाई है, टोटली मतलब 50-60 किलोमीटर अराउंड। तो आज हमें शाम को 6-7 बजे से पहले हमें पहुंचना है अपने डेस्टिनेशन पे, तभी कुछ बात बन पाएगी। और डेस्टिनेशन हमारा कहाँ पर है वो हम तुम्हें दिखाएंगे, बहुत बढ़िया जगह है, उस वाले सरप्राइज है। सो फाइनली हमें एक और भाई मिले जो साइकिल से लेह तक जा रहे हैं, बट वो इंडिया से नहीं है, वो आउट ऑफ कंट्री है, तो उन्होंने मैंने बात नहीं करी है, ये बातें कर रहे हैं अभी, जब मैं बात करूँगा मैं तभी दबाऊँगा। बट इट इज़ रियली अमेजिंग यार, लोग इतना इनिशिएट कर रहे हैं, इतना एफर्ट, मतलब हार्ड वर्क में बहुत ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे साइकिलिंग करना यार, इतना हाई एल्टीट्यूड पे। एक तो ऑक्सीजन की कमी है, सांस नहीं आती है, काफ़ी टफ है, बट स्टिल वी विल ट्राई, एंड हम जा रहे हैं चारों। सो लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। अब रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, हर एक एक किलो 2-2 किलोमीटर बाद मतलब ऐसे रोड आ जाते हैं, हमारी साइकिल हम निकल जाते हैं, बट स्टिल थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। और ना हमें एक और राइडर मिला है जो फ्रांस से आया है, फ्रांस से उसने साइकिल फ्लाइट में कैरी करके लेके आए थे, और मनाली से उसने राइड स्टार्ट करी है लेह लद्दाख के लिए,
एंड हमें मिली है सरचू में, सो हमारे साथ ही जा रहे हैं। और हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो अब है वो है पांग पांग, हाँ पांग राइट, तो नाम भी याद नहीं रहता, काफ़ी खतरनाक खतरनाक नाम है भाई। ये देखिए अभी साइकिल कहाँ से लेके जानी पड़ रही है, रोड देखिए, रोड हर रोड पे पत्थर ही पत्थर भाई। वहाँ से भी जाने का ऑप्शन था बट रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, देखो ट्रक आ रहे हैं, हमें वेट करना पड़ता, सो हमने डिसाइड करा आगे चलते हैं। सो वी मेट अ गाय फ्रॉम फ्रांस, सो कैन यू प्लीज़ tell how you start your journey and how it's ending, it's never gonna end, so how you start your journey? Yeah, I started in Manali, I'm going to Leh like you. Okay. And yeah, I met you today in Sarcha. So yeah, Sarchu. Sarchu. Yeah. You are coming from France, right? Exactly, I come from France. Okay. I come with my bike. Yeah. And I'm enjoying the pace. We are also enjoying. सो चले अब आगे चले, ओके। सो दिस इज़ द रोड हियर यू हैव टू राइड, यू नो एवरी 1 or 2 किलोमीटर बाद वी फाउंड दिस, जहाँ एक अच्छा फ्लो बनता है ना वहाँ पे रोड सामने आता है। यहाँ पे सिंगल रोड है, बिल्कुल छोटा सा, ऊपर पहाड़ है, ऊपर से लैंडस्लाइडिंग होती रहती है बहुत ज़्यादा, और नीचे ये रिवर है एक, ये देखो। तो अब हम अपने कपड़े उतार रहे हैं, थोड़े से पिक्चर क्लिक कर रहे थे यहाँ पे। सॉरी डोंट माइंड, यहाँ पे घाटा लूप्स आ गए हैं और अब 21 टोटल लूप है, तो कपड़े मतलब इससे थोड़े उतार रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लगने वाली है, धूप भी हो रही है, और 21 लूप हमें हाइट पर ही जाना है सीधा, अब डाउन हिल कुछ नहीं है, अब टोटल हाइट है, तो इसलिए थोड़े से कपड़े वगैरह थोड़े उतारने पड़ रहे हैं। मैंने अपनी हुडी उतार दी है, टी शर्ट वगैरह उतारूंगा, सब कुछ करना पड़ता है। हाय गाइस, हम घाटा लूप पे आ गए हैं एंड हमने एक लूप कंप्लीट कर दिया है, 20 और बचे हैं, और रोड भी ऐसा है सिंगल, और ये पीछे आ रहे हैं। वी कंप्लीटेड 8 लूप एंड 13 रिमेन एंड 2 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है, सो पांग इज़ अबाउट 49 किलोमीटर फ्रॉम देयर, एंड धीरज वहाँ पे रह गया है पर आपको दिख रहा होगा, तो एंड जोशी यहाँ पर है पीछे, एंड हम यहाँ पर खड़े हैं। सो अभी 13 और कंप्लीट करने हैं, लेट्स सी कितना टाइम लगेगा, अभी 2 घंटे, अभी मतलब 2 घंटे तो नहीं, काफ़ी टाइम हो गया है, और हमें वहाँ पर जाना है ऊपर। ये रहा ड्रोन, हमने भी पिक्चर्स क्लिक करी है अभी इससे, और कुछ शॉट्स लिए हैं, और इससे काफ़ी अच्छे शॉट्स आ रहे हैं यार, मैं दिखाता हूँ। नहीं देख रहा, मैं बाद में दिखाऊंगा, तो ये ड्रोन के जो क्लिक करे हुए शॉट्स हैं ना वो हम अपनी वीडियो में डालेंगे, देन दिखाते हैं। तो आ गए थे और हमें यहाँ पे एक टेम्पल मिला है जहाँ पर बहुत सारी पानी की बॉटल पड़ी है, हमें इसकी स्टोरी नहीं पता, बाकी हम पूछते हैं इसकी क्या स्टोरी है। ये यहाँ पे फिर मतलब किस लिए चढ़ाई होती है इतनी बॉटलें? ये सर बहुत पुराने टाइम की पहले की बात है, तो इधर गाड़ी चढ़ती नहीं थी पहले, तो एक ट्रक वाला आया था, तो उसके साथ हेल्पर था, तो हेल्पर को बोला उसने कि चल जाके पत्थर लगा, उसने पत्थर लगाया, तो जैसे ही गाड़ी इसने उठाई तो कंडक्टर पीछे था, पत्थर निकल गया पीछे से, तो कंडक्टर पीछे आ गया, कंडक्टर की जगह, तो वो बोलता रहा कि उस्ताद मुझे पानी पिलाओ पानी पिलाओ, तो इतनी देर में उसने सोचा कि इसके हाथ पांव टूट गए हैं, अब तो मैं जवाब क्या दूंगा, उसने गाड़ी ऊपर चढ़ा दी।
बंदे को पूरी गाड़ी चला दी उसने, तो पानी मांगता रहा वो बेचारा, तो उसको पानी नहीं पिलाया, वो मर गया इधर ही, पानी मांगता रहा, इसलिए वो अभी लोग इधर पानी चलाते हैं। तो अभी भी इधर है, इतनी शक्ति है कि रात को कहीं अकेली गाड़ी होगी ना तो खुद बंदा आके इशारे मारता है रात को गाड़ी को, तो पानी खत्म हो जाता है सब खुद ही, ये अपने आप आधी बोतल खत्म हो जाती है, पूरी बोतल चलाओगे ना ये देखो पूरी खत्म होगी अपने आप, देख रहे हो। तो ये मतलब ऐसे किसी को हार्म नहीं करते, ऐसे कोई जा रहा है कोई परेशानी कुछ नहीं? नहीं नहीं नहीं, पानी मांगते हैं, अगर आप चढ़ाओगे तो आपको रास्ते में कोई दिक्कत नहीं है, इधर गारंटी है। पानी की बोतल तो हमारे पास है नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं, कोई बात नहीं, जिसको नहीं पता है तो उसके लिए वही। हाँ वही वही, ठीक है, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। राइडर मिले हैं जो उत्तराखंड से आ रहे हैं, नाम क्या है? अजय सिंह फर्तियाल। और कितने दिन हो गए आपको आज? 23 दिन। 23 दिन, तो आप ले से कम्प्लीट करके आ गए पूरा, टेम्परेचर कैसा है? सही है, नॉर्मल है। अच्छा, तो आपने अभी बीच में स्टे कहाँ पे करा था? पांग में। इससे मैंने माउंटेन ट्रैवल करने का इतना मुश्किल है, वहाँ पे सिंगल रोड है, उधर भी नीचे कुछ नहीं है। और इधर से लैंड स्लाइडिंग होती रहती है, कोई भरोसा नहीं होता। ये ट्रक वाले अभी भी खड़े हुए, पीछे से गाड़ी आ रही है, अभी देखना। नहीं सॉरी, ट्रक ही आ रहा है पीछे। अभी 4-5 लूप और बचे हैं और हम वहाँ से आ रहे हैं, नीचे से, यहाँ से जहाँ पे पानी का लेवल है, 5-7 लूपों में कवर करके वहाँ ऊपर जाना है। और बहुत ज़्यादा थका है, आप देख सकते हो, बहुत बुरा हाल है सबका, कर रही है कवर, देखते हैं कितना टाइम और लगेगा, 5-7 लूप बचे लास्ट। सो लेट्स सी। सो घाटा लूप ओवर, हमें 2 hours लगे ना आने में, 2 hour लगे हमें 21 लूप कंप्लीट करने में, और ऑल्टीट्यूड है 4667 मीटर, फीट है 15,302 feet, अमेजिंग। देखो कितना हार्ड है इस रोड पर साइकिल चलाना यार, ट्रक वाले भी हमें स्पेस नहीं दे सकते ज़्यादा, क्योंकि उधर भी कुछ नहीं है, और थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। पर इधर देखो, इधर पहाड़ी बाहर, नीचे खाई, सो हमने एक पास क्रॉस कर दिया है एंड सेकंड पास के लिए पहुंच गए हैं। आज का डे बहुत ज़्यादा टफ था, क्योंकि दो दो पास क्रॉस करने हैं हमें, एक हमने कर दिया है, सेकंड करना है। अब हमें थोड़ा सा डाउन हिल है, देन उसके बाद सारा हिल, तो आज हमें पांग पहुंचना है, देखते हैं कब तक पहुँचते यार, काफ़ी लेट हो गए। सो पीछे चल रहा है, हम मिलते हैं तुमसे अगले स्टेशन पे। इसके नाला पहुंच गए, अब वो पहला पास हमने क्रॉस कर दिया है, अब यहाँ पर थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि धीरज पीछे रह गया है, तो जब तक हमने चाय ली और एक चाय उसके लिए बनवा रहे हैं। अच्छा आ गया पूरा, अब वो आएगा, वो हमें आगे हाइट 6-7 kilometers की हाइट है पहले, देन उसके बाद सारा डाउन हिल है, हाइट हमें वहाँ पर जाना है जहाँ पर गाड़ियाँ चल रही है उससे भी ऊपर, तो हम शाम 7-7:30 तक ही पहुँचेंगे जितना मतलब लगता है, बाकी ट्राई करेंगे जल्दी पहुँच जाए, जो हिसाब से चाय पी रहे हैं हमें।
हमने टाइम बचाने के लिए कि हमें वहाँ से आना पड़े, हमने यहाँ से शॉर्टकट लिया है। और भैया और शॉर्टकट हम पे भारी पड़ गया, मतलब हमारी लाइफ का थर्ड गलत डिसीजन है। तो पैर स्लिप कर रहे हैं, और ऊपर से हाइट बहुत है। देखो यार हमें वहाँ पर जाना है सबसे ऊपर, पर ना ये है कि ये शॉर्टकट हमारे मतलब हमें 6 किलोमीटर की हाइट पे जाना है। नॉर्मल रोड से जाते हो तो बहुत ज़्यादा थी, बट शॉर्टकट से जा रहे हैं तो शॉर्टकट ना थोड़ा टाइम ले रहा है, पर वो नॉर्मल रोड से कम टाइम लेगा और ज़्यादा एरिया कवर करवा देगा, तो इसलिए इसी रोड से जा रहे हैं। जब डिसीजन ले लिया तो पूरा करते भी है यार। चलो आपको दिखाता हूँ हमें कैसे चढ़ना पड़ता है। चलो भाई चलो, मैं देखो हमें कैसे चढ़ना पड़ रहा है। सो हाय दोस्तों, हमें आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे डिवाइस में उतनी बैटरी नहीं है कि हम इसको आगे कंटिन्यू कर सकें, और इस रास्ते में इतने सोर्सेज भी नहीं है कि हम अपने डिवाइस चार्ज कर सकें। तो कल मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, टाटा बाय बाय।